का सवाल, विच ऑफ फॉलोइंग इज गुड एसेट? अब देखो, गुड एसेट हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, वो होता है जिसमें हाइड्रोजन का निकलना आसान होता है। अब देखो, यहाँ सी एफ थ्री के साथ है सी डबल ओ एच, यहाँ सी एच एफ टू, यहाँ सी एच टू एफ और यहाँ सी एच थ्री। एफ हमारा होता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में, ठीक है जी। तो एफ का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को खींचना। जितने ज़्यादा एफ होंगे वो इलेक्ट्रॉन को उतना ज़्यादा खींचेंगे। इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो नेगेटिव चार्ज को क्या कर देंगे? कम कर देंगे, बहुत ही कम कर देंगे। हाइड्रोजन का निकलना उतना आसान हो जाएगा और वो उतना ही अच्छा एसिड होगा। इन सब में सबसे अच्छा एसिड ये है क्योंकि तीन तीन एफ हैं। हर एफ क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ठीक है। नेगेटिव इंडक्टिव ग्रुप में आता है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो नतीजतन निकलना आसान। यहाँ देखो सी एच एफ टू भी खींचता है लेकिन दो हैं, इसकी निस्बतन कम खींचेगा। ये भी अच्छा एसिड होगा लेकिन सबसे अच्छा ये होगा। फिर देखो सी एच टू एफ, एफ का काम भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को खींचना। ये भी नेगेटिविटी को कम करेगा लेकिन उतना नहीं जितना तीन एफ वाला, फिर दो एफ वाला, फिर एक एफ वाला। और इनमें जो सबसे कह लो निस्बतन स्ट्रॉन्ग एसिड कह लो, वैसे तो ये भी बहुत वीक एसिड है, वो होगा सी एच थ्री सी डबल ओ एच, सबसे वीक एसिड। और सबसे अच्छा एसिड क्या होता है? जिसमें से हाइड्रोजन का निकलना आसान। तो सबसे आसान कब होगा? जब नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज कम कहाँ होगा? यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। और ये वाला अच्छा एसिड नहीं होगा, ठीक है, करेक्शन कर लेंगे। पहले मैंने कहा ये अच्छा एसिड नहीं होगा क्योंकि इसमें तो यहाँ देखो ना अल्काइल ग्रुप मौजूद है सी डबल ओ एच के साथ। जब अल्काइल ग्रुप मौजूद है तो ये तो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को बढ़ाता है, देने वाला है अल्काइल ग्रुप दे रहा है, तो फिर ये तो जाहिर सी बात है नेगेटिव बढ़ेगी और ये एसिड अच्छा नहीं होगा, वीक एसिड होगा। पेपर में सवाल आया था कि विच ऑफ फॉलोइंग इज गुड एसिड, फॉर्मिक एसिड और एसिडिक एसिड। याद रही है फॉर्मिक एसिड जिसका आई ओ पी एस सी नेम मीथानोइक एसिड होता है, और ये एसिडिक एसिड जिसका नाम मीथानोइक एसिड होता है। तो गुड एसिड इंडक्टिव इफेक्ट कि भाई जिसमें से हाइड्रोजन आसानी से निकल जाए। किसमें आसानी से निकलेगा? इसमें इसमें तो देखो, यहाँ जो होता है सी एच थ्री क्या होता है? पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप, जितने अल्काइल ग्रुप हैं ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? नेगेटिविटी बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो इसमें से निकलना मुश्किल होगा, इसमें से निकलना आसान होगा। तो फॉर्मिक एसिड बेटर होता है एसिडिक एसिड से। तो कभी ऐसे एम सी क्यूज भी आती है कि फॉर्मिक एसिड अच्छा एसिड क्यों होता है एसिडिक एसिड से, ठीक है जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान है और इसमें अल्काइल ग्रुप मौजूद होता है जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट डालता है एसिडिक एसिड में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल हो जाए। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट? ऑप्शन ए इट इज़ परमानेंट इफेक्ट, बिल्कुल जी ये परमानेंट इफेक्ट होता है। ऑप्शन बी इंडक्टिव इफेक्ट कैन बी डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ एटम और ग्रुप टू कॉज बॉन्ड पोलराइजेशन, जी बिल्कुल बॉन्ड पोलराइजेशन शुरू होती है इसके नतीजे में। ऑप्शन सी इट इन्वॉल्व डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन तो डी लोकलाइज होता ही रहता है। ऑप्शन डी इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम पोलर ग्रुप कॉजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, जी हाँ यही तो सबसे अहम बात होती है। ऑप्शन ई है ऑल ऑफ द अबव, तो ऑफ कोर्स इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। ये कह रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग इज पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप? हेलोजन सारे के सारे नेगेटिव में आते हैं, सी एन भी नेगेटिव में आते हैं, ठीक है, सी एन भी नेगेटिव में आते हैं, एन ओ टू भी नेगेटिव में आते हैं। वॉट अबाउट सी टू एच फाइव अल्काइल ग्रुप? पॉजिटिव में आता है। और सी सिक्स एच फाइव एराइल ग्रुप, ये भी नेगेटिव में आता है। नेगेटिव में आता है तो हम इसका इफेक्ट सबसे लेस होता है नेगेटिव में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी टू एच